भावुक होना स्वाभाविक है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का विदाई समारोह आज राजभवन में आयोजित किया गया। इस दौरान उनके साथ लेडी गवर्नर अनघा आर्लेकर भी मौजूद रही। अपने विदाई समारोह के दौरान राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर भावुक नजर आए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेशवासियों की ओर से मिले अपार स्नेह के लिए आम जनता का आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ प्रेम भूमि करार दिया। अलग सा कार्यक्रम है और ऐसे क्षण पर भावुक होना स्वाभाविक है। ये क्या मेरी विशेषता है, ऐसी नहीं, सब लोग भावुक होते हैं। आप इसे विदाई कहते हैं या और कहते हैं, परंतु एक बात सही है कि यहाँ से आप सबसे मैं और कहीं जा रहा हूं। स्वाभाविक है कि लगभग 1.5 साल से अधिक काल हम सब इकट्ठे रहे हैं, तो एक दूसरे को अच्छी ढंग से हम पहचानने भी लगे हैं और ऐसे काम साथ में करते करते थोड़ा एक लगाव, एक अटैचमेंट अपने आप बन जाता है। फिर एक बार कहता हूँ, ये मेरी विशेषता है, ऐसी नहीं है, सबके बारे में ऐसे होता है। और एक क्षण ऐसा आता है कि चलिए आप जहाँ पर हैं वहाँ काम करते रहिए, आपका और कहाँ के जाना है वहाँ भी जाइए, और हमारे ऊपर वाले लोग कहते हैं कि चलो और कहाँ जाकर काम करने के लिए तैयार हो जाओ। परंतु ये 1.5 साल जो है वो मेरे लिए कुछ सीखने के लिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं हमेशा ऐसा मेरी सोच रही है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, सब कुछ जानता हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता ऐसा। जब मैं यहाँ राज्यपाल बन के आया तो मैं यहाँ से कुछ सीखने के लिए आया था, यहाँ कुछ देने के लिए नहीं, यहाँ से कुछ लेने के लिए आया था। और आज जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कुछ लेकर जा रहा हूँ, वो मेरी पूंजी है। आप सबसे साथ में बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, मेरे मन में अगर कुछ आता है उसको वैसे ही करना चाहिए, ऐसा आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैंने सीख लिया।